हेलो माइडो फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विराज। गाइज, आप मेरी कोई भी वीडियो जब ओपन करते हो तो साइड में आपको नीचे के साइड में सब्सक्राइबर के बगल में आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब है वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और आपको मैं ये भी सिखाने वाला हूँ कि इस ज्वाइन बटन को कैसे आप अपने चैनल पर अनेबल कर सकते हो। ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, और ये कितने सब्सक्राइबर पर मिलता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इसलिए ये जो ज्वाइन बटन है कैसे आप अनेबल कर सकते हो, इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए शुरू से लेके एंड तक वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो है ज्वाइन बटन आपके बहुत काम की चीज़ है, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहीं पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ज्वाइन बटन को कैसे आप अनेबल कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस फैमिली में अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट एक अच्छा सा कर देना, और वीडियो पसंद आती तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो चलिए मैं चलते सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो गाइज, मेरी ये सिस्टर का चैनल है, मैं सीधे चैनल पर आपको लेकर आ गया। अब इसके चैनल पर हमें ज्वाइन बटन को अनेबल करना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते तो हमारे सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आता है, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, ओवरव्यू, एड्स, मेंबर्स और सुपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्वाइन बटन अनेबल करने के लिए मेंबरशिप पर क्लिक करना है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैं नीचे लेकर आता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेट अप योर मेंबर ऑफर्स, मेंबरशिप ऑफर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनने वाली बातें जो कि मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोग दिमाग में बैठा लो अपने अच्छे तरीके से। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, ऊपर लिखा हुआ सेट अप योर मेंबरशिप ऑफर, और यहाँ लिखा है लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक। ठीक है, और यहाँ पे अननेम्ड है, मतलब इनका कोई नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस लिखा वो इनकी तरफ से अपनी मर्जी से लिखा गया है। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, जो भी प्राइस लिखोगे उसके बदले में आप अपने व्यूवर्स को क्या क्या यहाँ पर मतलब अपने व्यूवर्स को आप क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो जो प्राइस आप लोगे उनको उस प्राइस में आपको वो बेनिफिट देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर अननेम्ड लेवल, तो पहले लेवल का नाम लिखो। तो लेवल का नाम है जैसे SIL, मैं यहाँ पर लेवल का नाम लिख रहा हूँ SILVER सिल्वर। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया लिखना है, और यहाँ पर आपको प्राइस बता रहा है, आप जो भी प्राइस दे रहे हो वो उसके बदले में आपको जो भी देना है वो देना ही है आपको अपने व्यूवर को। तो जैसे मैं प्राइस बहुत कम रखने वाला हूँ, 59 रुपीज़ रखने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, 59 रुपीज़ में आप अपने व्यूवर्स को क्या दे सकते हो। तो जैसे कि एड पर्क्स में क्लिक करता हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स को जो देने वाला हूँ 59 रुपीज़ में, सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा पर्क टाइप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने मर्जी से, मतलब अपने मर्जी से नहीं, जो भी आप देने वाले 59 रुपीज़ में वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 59 रुपीज़ में यहाँ पर एक्सक्लूसिव वॉलपेपर, ठीक है, या इनको मैं चेंज करके हटा देता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पर मैं फ़ोटो एंड स्टेटस अपडेट, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ये मैं 59 रुपीज़ में देने वाला हूँ, जो कि बहुत इजी है। 59 रुपीज़ में फोटोज़ एंड स्टेटस अपडेट्स के बारे में दे सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप 59 रुपीज़ में और भी चीज़ें देने वाले हो तो यहाँ पर ऐड पर्क्स कर देना, और उसको ऐड कर देना 59 रुपीज़ में, आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सब कर दिया, उसके बाद डन कर देता हूँ मैं। ये हमारा फर्स्ट जो है कम्प्लीट हो चुका सिल्वर। सेकंड वाले पे भी हमें आना है, और यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है क्लिक करने के बाद एडिट पर, और यहाँ पर हमें लिख देना गोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GOLD, गोल्ड लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इंडिया, और यहाँ प्राइस मैं क्या रखने वाला हूँ, तो प्राइस रखने वाला हूँ इसका मैं 89 रुपीज़। ठीक है, 89 रुपीज़ में मैं क्या देने वाला हूँ अपने व्यूवर को, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा सा मैं और नीचे लेकर आता हूँ, तो इनमें से कोई भी चीज़, जैसे लिखा है मैं मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इनको इसका जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं लाइव आऊँगा तब इनसे मैं बात कर सकता हूँ जिन्होंने मेरा ये मेंबर ले रखा है, या फिर मैं ओनली मेंबर्स के लिए लाइव आऊँगा तो उनसे मैं चैट कर सकता हूँ, जिन्होंने भी मेरा मेंबरशिप लिया होगा उनसे मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर दिया है। तो 89 रुपीज़ में मैं ये दूंगा, और ऐड पर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, और भी मैं 89 रुपीज़ में कुछ देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ मैं, और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने का तो हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट हो चुका है। थर्ड लेवल की बारी आती है, मतलब तीसरा लेवल, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड लेवल का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना है डायमंड। तो मैं डायमंड लिख देता हूँ, तो मैं डायमंड लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको
उसका प्राइस देखना कि आप अब क्या देने वाले हो कितने प्राइस में। तो जैसे कि मैं प्राइस इसका भी बहुत कम रखने वाला, ज़्यादा रखने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर 199 पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मतलब 200 रुपये में क्या देने वाला हूँ मैं अपने व्यूवर्स को, अपने मेंबर्स को। तो उसके लिए यहाँ पर कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया ये मैं कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ उनको 200 रुपीज़ में। तो पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी करके डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद और क्या दे सकता हूँ 200 रुपये में, तो यहाँ पर पर्क्स यूनिक टू योर ऑडियंस या ऐड पर्क्स कर सकता हूँ मैं। ऐड पर्क्स पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इनको 200 रुपये में, जैसे कि इनको लाइव जब मैं आऊँगा ना, या फिर मेंबर ओनली, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ ये दे दूंगा मैं, और इसको कॉपी कर लूँगा और डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैं जो 200 रुपये मैं अपने व्यूवर्स को दूंगा, दो चीज़ें देने वाला हूँ इसमें, एक कनेक्टिंग और सोशल मीडिया, इनसे मैं अपने व्यूवर्स से कनेक्ट रहूँगा सोशल मीडिया पर। और दूसरा यहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियोज़, मतलब उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर उनको दूंगा मैं। तो यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। ये तीन पर कर दिया, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ये हमारा हो चुका है सब कुछ रेडी। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर लेवल और भी ऐड कर सकते हैं, 4 level, 6 level। तो यहाँ पर मैंने 3 level ही तक किया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, तो यहाँ पर 3 level तक मेरे लिए बहुत है। अगर आपको ज़्यादा लेवल बढ़ाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पर डायमंड पर हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा, तो हमें इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमने कुछ मिस्टेक किया, उसको सही करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पर्क यूनिक टू ऑडियंस, ठीक है, इसको हमें नहीं देना है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद वापस से डन कर देता हूँ। अब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, डन कर दिया मैंने और नेक्स्ट करते हैं। हाँ, हो गया गाइज, अब यहाँ पर हमारा हो चुका है गाइज। और यहाँ पर दिखा रहा है लेवल नेम, और यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पर गोल्ड का प्राइस दिखा रहा है, और मैं नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर डायमंड का प्राइस दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अंदर में क्या करना है, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट वंस माई ऑफर इज रिव्यूड एंड अप्रूव, ठीक है, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आप सब कुछ देख लेना, ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू पर भेज देना, और उसके बाद माई मेंबरशिप ऑफर इंक्लूडिंग माई पर्क्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। योर पर्क्स विल बी रिव्यूड यूजली विद इन 24 hours, 24 घंटे के अंदर में यूट्यूब की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये जो है आपका रिव्यू में चला जाएगा YouTube के पास, देख सकते हो इन रिव्यू दिखा रहा है। और यहाँ पर जो भी आपने लेवल ऐड किया है आप देख सकते हो, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, तो यहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है, और रिव्यू होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में आना है, लिखा है कस्टम डिफॉल्ट पर्क्स, ठीक है, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा है अपलोड माय ऑन, ठीक है, और यूज जेनरिक यूट्यूब बैजेस, मतलब कि अगर आपके पास बैजेस आपने बना के रखे तो आप अपने लैपटॉप या फ़ोन से आप खुद अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको YouTube का चाहिए बैजेस तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मेरे पास है नहीं तो मैं YouTube का ही यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप इमोजी देख सकते हो, अगर आपके पास इमोजी है, आपने बना रखा फ़ोटोज़ वोटोज़, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो ऐड अदर इमोजी, वरना आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। तो जैसे कि मैं बैजेस पर आता हूँ वापस, और यहाँ लिखा है यूज़ जेनरिक YouTube बैजेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये YouTube की तरफ से जो बैजेस है वो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ YouTube का ही बैजेस यूज़ करूँ, जब हम बनाएंगे तब हम इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैजेस का नाम देना है, तो आप नाम भी दे सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है, नाम दे सकते हो, उसका फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो अगर आपने अपने बैजेस का फ़ोटो बना के रखा है तो, ठीक है। जैसे आप नाम दोगे और सेलेक्ट इमेज करोगे तो आपका कंप्यूटर फाइल या अपने आपके मोबाइल फ़ोटोज़ गैलरी में आप आ जाओगे, वहाँ से आप दे सकते हो। तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर फिर से सेव कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया है। अब उसके बाद ये हमारा जो है YouTube की तरफ से बैजेस मिला है हमें, और यहाँ पर आप देख सकते हो डन लिखा भी आ गया है। अब उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में आ रहा है, लिखा है अनाउंस योर मेंबरशिप, ठीक है, इस पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से ये बोल रहा है कि आप अपने मेंबर्स को अनाउंस कर दो, आप सोशल मीडिया पर जाके, आप यूट्यूब पर जाके वहाँ पर वीडियो बनाकर डाल दो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखते हो अनाउंस योर मेंबरशिप, ठीक है, शिप विद ए वीडियो, मतलब आप वीडियो बनाकर अपने मेंबर्स को बता सकते हो। तो मैं ये सब चीज़ें अभी नहीं करने वाला, आप कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, या फिर आप वहाँ पर कम्युनिटी टैब में दे सकते हो, ठीक है।
अपने मेंबरशिप के बारे में, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला, बस डन लिख देता हूँ। आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डन लिख देता हूँ। जैसे डन लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंड फोर्थ स्टेप बचा हुआ है, वो हमें यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टू वेलकम ए न्यू मेंबर, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने क्रिएट कम्युनिटी पोस्ट भी आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद सीधा मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाऊँगा, कम्युनिटी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप फोटोज़ को अपलोड करके अपने मेंबर्स को बता सकते हो कि मैंने अनेबल कर दिया अपना मेंबरशिप, जिनको ज्वाइन होना वो ज्वाइन हो सकता है गाइस, ठीक है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इमेज वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ लिखकर सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो डेस्कटॉप के पास होगी, डेस्कटॉप में कहीं भी आपने सेव करके रखा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपकी ये फ़ोटो आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पर इस पर आपको लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू सो मच। तो गाइज मैंने यहाँ लिख दिया थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको समझना है ये उन्हीं को मेरी जो ये फ़ोटो दिखाई देगी जो मेरे चैनल का मेंबरशिप लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है यहाँ पे मेंबर्स ओनली, तो ये सिर्फ अगर मेरे चैनल को कोई भी मेंबरशिप लेता तो उन्हीं को ये फ़ोटो नज़र आएगी, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप मैं वापस बैक आ जाता हूँ, मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। और सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर सक्सेसफुली क्रिएट योर मेंबर्स ओनली पोस्ट, ठीक है। उस पर डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है, थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पर डन लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है गाइज। अब डन लिखा हुआ आ चुका है तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है देख सकते हो, हमने यहाँ पर चार स्टेप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारा ये अप्रूव भी हो चुका है। हमें यूट्यूब की तरफ से मेल भी आ गया जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। इसको मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये मेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो योर पर्क हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब यूट्यूब की तरफ से अप्रूव हो चुका है। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन वन स्टेप, ठीक है, ये हो चुका है हमारा। अब मैं वापस मोनेटाइजेशन सेक्शन पे आता हूँ। इसको हमें टर्न ऑन करना है, ये अभी टर्न ऑन नहीं है। तो जब तक इसको हम टर्न ऑन नहीं करेंगे जब तक हमारा ज्वाइन बटन अनेबल नहीं होगा। तो इसको मैं टर्न ऑन पर क्लिक करता हूँ। टर्न ऑन पर जैसे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ टर्न ऑन, इसको भी हमें इस पर टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारा ये टर्न ऑन हो चुका है मेंबरशिप, और यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर टोटल मेंबर दिखाएगा, आपका रेवेन्यू दिखाएगा, मेंबर्स दिखाएगा, और यहाँ पे कैलकुलेशंस, ठीक है, ये दिखाएगा लास्ट 31 डेज का। तो ये सब पहले नहीं था, ये अब एकदम यूनिक चेंज हो गया है। जो आपका जब ज्वाइन बटन आप अनेबल करते हो तो ये सब अलग हो चुका है, मतलब एकदम नया हो चुका है। तो 2022 के हिसाब से ये वीडियो बन रही है, तो आप इसको कर सकते हो सारी चीज़ें जो मैंने बता दी आपको वीडियो में। ज्वाइन बटन हमारा अनेबल हो चुका है। अब मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि ज्वाइन बटन अनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के चैनल का नाम ले लेता हूँ, फिल्मी मैडनेस, ठीक है, फिल्मी मैडनेस, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये आ चुका है, और मैं यहाँ पर चैनल ओपन कर लेता हूँ। तो hey guys, आप देख सकते हो ये ज्वाइन बटन हमारे सिस्टर का, हमारे सिस्टर के चैनल पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप ज्वाइन बटन को अनेबल कर सकते हो, जो कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखा गया, इसी तरीके से आप अपने चैनल का ज्वाइन बटन को अनेबल कर सकते हो। और ये जो ज्वाइन बटन है आपको कब मिलता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तब आपको ये ज्वाइन बटन मिलता है गाइज। तो आपको जैसे ही ज्वाइन बटन मिल जाता है वैसे ही आप इसको अनेबल कर देना, इससे आगे आपको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी गाइज। और यूट्यूब इसमें से आपको 70% देता है, 30% अपने पास रखता है। तो अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी ऐसी जन वीडियो मिलती रहे गाइज। तो चल फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शूट में, ओके बाय।